अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और अच्छे से होंगे। बच्चों, आपको मालूम है ना कि ये वीक हम अर्थ वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को अर्थ डे है। और कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी, अगर दरख्त ना होते। और आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाने वाली हूँ, और इस कहानी का नाम है कूड़ा कहाँ डालें। कहानी का मरकजी ख्याल ग़ज़ाला नुमानी ने पेश किया है और तस्वीर साजी बानी आबदी ने की है। चलें कहानी शुरू करते हैं। बाबर, कूड़ा बाहर डालाओ, अम्मी ने आवाज़ दी। बाबर थैली घुमाता हुआ निकला तो कुछ कूड़ा गिर गया। बाबर ने मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। सामने धोबी बाबा की गाड़ी खड़ी थी। धोबी बाबा तो है नहीं, कूड़ा इसी में क्यों ना डाल दूं? बाबर ने सोचा। डैंचू डैंचू, गधा नाराज होकर बोला। बाबर भाग गया। बाबर ने सोचा, कूड़ा दरख्त के तने में डाल देता हूँ। दरख्त गुस्से से हिला तो चिड़िया चू चू करती उड़ने लगी। फूलों ने घूर कर देखा। बाबर घबरा गया और बोला, अब क्या करूँ? यहाँ भी ना डालूँ, वहाँ भी ना डालूँ, तो फिर कूड़ा कहाँ डालूँ? डब्बे ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी, और आप भी कूड़ा हमेशा बाबर की तरह कूड़ेदान में डालेंगे। अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।